तो गाइस अगर आपको डोरेमोन के एपिसोड्स देखना पसंद है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम लोग डोरेमोन के कुछ ऐसे एपिसोड्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा हॉरर एंड क्रीपी हैं। प्लस ये एपिसोड्स बहुत ज्यादा डेंजरस लगते हैं देखने में। तो अगर आप भी हो मेरी तरह एक डोरेमोन फैन तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर आप लोगों को हॉरर वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से जाओ, ईयरफोन्स लेकर आओ एंड मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नॉर्मल सा इंसान दिखाया जाता है जो कि वॉकिंग पे निकला होता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक अजीब सी चीज पड़ी हुई देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो उसके थोड़ा पास जाता है तो वो देखता है कि ये चीज और कुछ भी नहीं, डोरेमोन का सबसे फेमस गैजेट बैम्बू कॉप्टर है। वो आदमी उसको उठाने के लिए करता है, उतने में ही हमें एक क्रीपी सा डोरेमोन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा होता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें उस आदमी का दिखाया जाता है। तो वो आदमी इस बैम्बू कॉप्टर को उठा लेता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि अगर वो इसको सर पे लगा लेगा तो वो आसमान में उड़ पाएगा। फिर जैसे ही वो आदमी उस बैम्बू कॉप्टर को सर पर लगाता है, उतने में ही उस बैम्बू कॉप्टर से कुछ सांप जैसी चीजें निकलती है एंड वो उसके सर को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद वो बैम्बू कॉप्टर घूमने लग जाता है, वो उसकी बॉडी से उसके सर को अलग कर देता है एंड हमें ये क्रीपी सा डोरेमोन दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। एंड ये जो डोरेमोन है वो यही चाह रहा था। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एपिसोड है वो सिर्फ डोरेमोन के मांगा पे है एंड ये जो मांगा है वो एक फैन मेड मांगा है। तो गाइस जिस एपिसोड की बात हम लोग अभी करने वाले हैं वो एपिसोड डोरेमोन सीरीज का एपिसोड नहीं है, लेकिन हमें इस एपिसोड में डोरेमोन देखने को मिला है एंड ये एपिसोड बहुत ज्यादा क्रीपी है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड की तरह ही इसमें हमें एक टेबल दिखाया जाता है जिसके ड्रॉवर पे कुछ हलचल होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रॉवर अपने आप ही खुल रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो ड्रॉवर खुलता है हमें काफी क्रीपी सी आंखें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कैमरा चेंज होता है एंड हमें देखने को मिलता है कि उसी रूम में एक बच्चा है जो कि डोरेमोन की मांगा पड़ रहा है। फिर उसके बाद उस बच्चे को एक साउंड आती है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक काफी क्रीपी सा आदमी है जो कि ड्रॉवर से निकला हुआ है एंड वो फ्यूचर से आया है एंड वो डोरेमोन जैसा ही बना होता है। फिर उसके बाद वो आदमी उस बच्चे को अपने पास बुलाता है एंड वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो बच्चा उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है। फिर उसके बाद वो आदमी उस बच्चे का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है एंड उसकी डोरेमोन की कॉमिक जमीन पे गिर जाती है। फिर उसके बाद वो आदमी उस बच्चे का हाथ पकड़कर उस ड्रॉवर के अंदर खींचने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें कुछ ये सीन देखने को मिलता है। तो गाइस कैसे लगा आप लोगों को ये वाला एपिसोड, जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड ये जो मांगा थी वो भी एक फैन मेड मांगा ही थी। एंड अब चलते हैं रियल डोरेमोन सीरीज पे। तो गाइस डोरेमोन के ये वाले एपिसोड पे आप लोगों को कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कोई गोस्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डोरेमोन का ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है एंड ये जो एपिसोड है वो सिर्फ देखने बस में नॉर्मल लगता है, एक्चुअल में है नहीं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नोबिता और डोरेमोन देखने को मिलते हैं। तो इस एपिसोड में नोबिता एक फैसला लेता है कि वो अपना घर छोड़कर जाएगा एंड वो किसी आइलैंड में रहेगा, लेकिन जो डोरेमोन है वो नोबिता को बार बार मना करता है कि वो घर छोड़कर ना जाए, लेकिन नोबिता किसी की भी नहीं सुनता एंड वो डोरेमोन के कुछ गैजेट लेकर आइलैंड में रहने चला जाता है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में तो नोबिता को बहुत ज्यादा मजा आता है, फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है नोबिता को ये रियलाइज होने लग जाता है कि आइलैंड में अकेले रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद धीरे धीरे नोबिता को एक अकेलापन फील होने लग जाता है। फिर उसके बाद नोबिता को अपने घर की याद आने लग जाती है एंड उसको पता चलता है कि यहाँ पे मैं नहीं रह सकता एंड वो बहुत
बेचैन सा हो जाता है एंड वो डोरेमोन का वेट करने लग जाता है कि डोरेमोन उसको लेने आएगा। फिर धीरे धीरे नोबिता हमेशा ट्राई करता है उस आइलैंड से निकलने का, लेकिन नोबिता नहीं निकल पाता एंड नोबिता का ये डिसीजन उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे नोबिता सीखने लग जाता है कि उसको इस आइलैंड पे कैसे रहना है। फिर वो इस आइलैंड पे रहना सीख जाता है, लेकिन उसको हमेशा डोरेमोन का इंतजार रहता है कि डोरेमोन उसको कभी ना कभी लेने आएगा। फिर ऐसा करते करते पूरे 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन जो डोरेमोन है वो नहीं आता। फिर उसके बाद अचानक से नोबिता की नजर जाती है डोरेमोन के एक गैजेट पे, जिसको वो फालतू गैजेट समझकर फेंक दिया था। फिर नोबिता उसको अपने पास लाता है एंड उस गैजेट का एक बटन प्रेस करता है। फिर उसके बाद नोबिता उस गैजेट को रख देता है एंड उसके कुछ टाइम के बाद डोरेमोन फाइनली नोबिता को लेने आ जाता है। एंड अब आप लोग इस पार्ट को ध्यान से देखना। तो डोरेमोन नोबिता को लेने पूरे 10 साल के बाद आया है, तो जो नोबिता है उसकी एज 20 साल हो चुकी है। तो डोरेमोन नोबिता को घर लेकर तो जाता है, बट नोबिता का लुक कुछ ऐसा रहता है एंड वो पूरे 10 साल के बाद आया है। तो अगर नोबिता अब अपने घर जाएगा तो वो बहुत गंदे से जाएगा, उसके मॉम डैड उसे नहीं छोड़ने वाले। तो डोरेमोन नोबिता की यहाँ पे एक हेल्प करता है कि वो उसको टाइम मशीन में बैठा कर उस दिन पर लेकर जाता है जिस दिन नोबिता घर छोड़कर गया था। फिर उसके बाद डोरेमोन अपने इस गैजेट का यूज करके नोबिता को पहले जैसा बना देता है एंड फिर नोबिता अपने मॉम डैड से मिल लेता है एंड वो फिर से अपने घर पे रहने लग जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ मिस्ट्रीज निकल कर आती है। पहली तो ये कि क्या ये नोबिता 20 साल का है, क्योंकि जैसा कि आप सबने इस एपिसोड पे देखा कि ये वाला नोबिता 20 साल का हो चुका है एंड डोरेमोन इसको 10 साल पहले लाया है ताकि ये अच्छे से रह सके। एंड अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि डोरेमोन उसकी एज भी कम कर चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नोबिता की एज कम होती तो नोबिता सब कुछ भूल जाता जो कि वो आइलैंड पे रहकर आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। है ना बहुत सोचने वाली बात। सेकंड मिस्ट्री, तो जैसे कि आप सबने इस एपिसोड पे देखा कि जो नोबिता है वो अपने टाइम को छोड़कर 10 साल पहले आया है, तो जो 10 साल पहले वाला नोबिता है वो आखिर कहाँ है? क्या वो अभी भी आइलैंड में है जो कि डोरेमोन का इंतजार कर रहा है? एंड जो ये वाला डोरेमोन है जो नोबिता को 10 साल पहले लाया है, उसको तो अपने टाइम पे वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे भी एक डोरेमोन होगा ही। एंड क्या अब दूसरे वाले नोबिता की डेथ उस आइलैंड में ही होगी या फिर नहीं? तो इस एपिसोड को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पे काफी सारी मिस्ट्रीज निकल कर आती है, इसलिए ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कहलाता है। तो अगर आप लोगों के पास इस एपिसोड के मिस्ट्रीज के आंसर है तो नीचे कमेंट्स में आओ एंड मेरे को बताओ। एंड अगर मेरे को आप लोगों का आंसर सही लगता है तो पक्का नेक्स्ट वीडियो पे सॉर्ट आउट मिलेगा, तो कमेंट करना मत भूलना। सो या फिर बस आज के लिए इतना ही। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो एंड और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके क्लिक करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को मेरे से बात करनी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है सो वो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं पक्का आप लोगों का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। सो या गाइस फिर मैं चलता हूं न्यू वीडियो बनाने, तब तक के लिए आप लोग ये चारों वीडियोस देख सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। ओके, टेक केयर।